आज मैं आपको बताता हूँ रेलवे वेटिंग लिस्ट को आप कैसे समझें। हम में से बहुत सारे लोग जब रेलवे टिकट करते हैं तो वेटिंग लिस्ट उनको समझ में नहीं आती और हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जब भी टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है तो वेटिंग लिस्ट भी अलग अलग प्रकार की होती है, हम सारी वेटिंग लिस्ट को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वेटिंग टाइप की अलग वेटिंग लिस्ट का कुछ मतलब होता है और कैसे ये वेटिंग लिस्ट सिस्टम काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ और कुछ उदाहरण देके फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा भी कैसे वो वेटिंग लिस्ट काम कर रही है। और दोस्तों, जो रेलवे का पूरा सिस्टम काम करता है वो होता है कोटा सिस्टम, यानी कि हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब ट्रेन जाती है, आइए हम इस एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर और इस उदाहरण की मदद से मैं पूरा आपको समझा। अब हर मान लीजिए एक ट्रेन का सोर्स स्टेशन है काठगोदाम और उसका डेस्टिनेशन स्टेशन है जैसलमेर, या वाइस वर्सा दोनों मान सकते हैं। ट्रेन जैसलमेर से चल के काठगोदाम चलती है और ट्रेन का मान लें कि जैसलमेर है फिर काठगोदाम है और बीच में कई सारे स्टेशन है जैसे जयपुर है, अजमेर है, ये सब होके ट्रेन जाती है। तो सब ट्रेन का जो कोटा सिस्टम होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलती हैं जब भी रेलवे, अब आप ये समझिए कुछ लोग, अब ये ट्रेन काठगोदाम से जैसलमेर जाती है और जैसलमेर से काठगोदाम जाती है, इस बीच ये ट्रेन बहुत सारे स्टेशन से होके गुजरती है। यानी आप ट्रेन जाती है दिल्ली, सबसे बड़ा स्टेशन हुआ है, उसके बाद जयपुर भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है और जयपुर से जैसलमेर। अब कई सारे ऐसे लोग जो जयपुर से काठगोदाम जाना चाहते होंगे या फिर जयपुर से जैसलमेर जाना चाहते होंगे, वो इस ट्रेन में टिकट बुक करेंगे। तो जब वो या जयपुर से काठगोदाम जब वो ट्रेन बुक करते हैं तो रेलवे डिसाइड करता है कि पहली प्रायोरिटी किसे दिया जाए। यानी कि रेलवे का जो सबसे ज़्यादा कोटा होता है, यानी अगर आप कोई टिकट उसकी सोर्स स्टेशन से उसकी डेस्टिनेशन तक आप कर रहे हैं, यानी जैसलमेर से काठगोदाम तक आप अगर ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, तो रेलवे का सबसे ज़्यादा कोटा उसको रह जाता है। यानी वो टिकट बहुत आसानी से मिलेगी। मान लो किसी ट्रेन में 500 सीटें, 500 में से ये होंगी कि 100 सीटें या 200 सीटें सबसे ज़्यादा जैसलमेर से काठगोदाम अगर कोई टिकट बुक करता है तो उसके लिए रिजर्व रहेंगी और वो टिकटें खाली होती हैं। अब दूसरा एक और होता है जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है। लंबी दूरी की ट्रेन में क्या होता है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि ये ट्रेन चलाने का पर्पज ही ये रहता है कि हर स्टेशन कवर करें, हर जगह के लोग जाएं। अब डायरेक्ट जैसलमेर से काठगोदाम जाने वाले लोग कम होंगे, कुछ कम होंगे, लोग उस ट्रेन का इस्तेमाल जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर या यहाँ तक जाने के लिए करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कोटा वो सीटें खाली रहती हैं। यानी कि कोई भी अगर जैसलमेर से काठगोदाम की टिकट बुक कर रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो आइए मैं आपको तीन टाइप की जो वेटिंग लिस्ट होती है इसका मतलब समझाता हूँ। अब सबसे पहले होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन वेटिंग लिस्ट। सोर्स टू डेस्टिनेशन, जब भी आप कहीं पर देखते होंगे आ रहा है GNWL, GNWL तब आता है जब रेलवे का जो कोटा सिस्टम होता है वो ये बोलता है कि इस स्टेशन का कोटा सबसे ज़्यादा है, अच्छा कोटा है, उसको GNWL दे दिया जाए। यानी अब अगर ट्रेन आप बुक कर रहे हैं काठगोदाम से लेके आप जैसलमेर तक ट्रेन बुक कर रहे हैं या जैसलमेर से काठगोदाम तक बुक कर रहे हैं और आपका टिकट वेटिंग में है, वहाँ पे वेटिंग दिख रहा है आपको किसी डेट में, तो वहाँ पे आपको दिखेगी GNWL वेटिंग लिस्ट। और GNWL को सबसे पहले कंफर्म किया जाता है, इसमें रेलवे को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उस रूट पे उस स्टेशन का कोटा ज़्यादा होता है, उन दोनों स्टेशनों का उस ट्रेन में कोटा सबसे ज़्यादा होता है, तो उस कोटे के हिसाब से उसको पहले दी जाती है और पहले वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। दूसरा होता है दोस्तों RLWL। RLWL आपने कई केसेस में देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ RLWL के क्या मीनिंग होता है, कैसे ये काम करती है। अब मान लिया जाए कोई ट्रेन जैसलमेर से चल के अजमेर जंक्शन होते हुए जयपुर होते हुए जाती है काठगोदाम। अब कुछ यात्री जयपुर से काठगोदाम तक का टिकट बुक करना चाहते हैं इसी ट्रेन में, तो उन यात्रियों को जब वो जयपुर से काठगोदाम सेलेक्ट करेंगे उसमें, तो उनको दिखेगी RLWL, जिसको कहा जाता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और RLWL किसी बीच के स्टेशन से और जो डेस्टिनेशन स्टेशन होता है उसके बीच की जो होती है उसको RLWL वेटिंग दिया जाता है। अब ये जो RLWL का, इसका कोटा सबसे कम होता है,
इसमें क्योंकि रेलवे को इसमें नुकसान होता है क्योंकि लोग बीच के स्टेशन से करते हैं, तो रेलवे इस कोटे को कम देता है। यानी कि मान लीजिए RLWL की जो इसकी जो कोटे की सीटें होती है, अब मैं इस ट्रेन का उदाहरण फिर से देता हूँ, जैसलमेर से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन में अगर आप जयपुर से करते हैं या अजमेर से करते हैं, जयपुर से करते हैं, तो आपको केवल 30 या 40 ऐसी सीटें होंगी, थर्ड एसी में मान लिया जाए 200 सीटें हैं, तो 30 सीटें ही होंगी जो जयपुर और इसके बीच की होंगी। तो उन 30 सीटों को RLWL में दिया जाता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग प्लेस, तो इसका कोटा कम होता है। ये बाद में आपकी कन्फर्म होगी बजाय GNWL के। तो जिस ट्रेन में आपको GNWL दिख रहा है उस ट्रेन को आप पहले करें। इसी प्रकार से ये होती PQWL होती है, PQWL भी यानी कि जो आपका डेस्टिनेशन स्टेशन होता है उससे कुछ स्टेशन पहले वाले को PQWL वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। इसकी भी वेटिंग जो प्रायोरिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। और TQWL होती है तत्काल, यानी जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम पे ये वेटिंग लिस्ट, अगर वेटिंग में है तो तत्काल, तत्काल की सबसे कम वेटिंग प्रायोरिटी होती है, यानी सबसे लास्ट में होता है। पहले GNWL कन्फर्म होगा, फिर RLWL होगा, उसके बाद तत्काल होगा, क्योंकि तत्काल अगर वेटिंग में है तो कंफर्म होने के बहुत कम चांसेस होते हैं उसके, अगर GNWL में वेटिंग लिस्ट चल रही है तो। अब ये तीन आप समझ गए, तो आइए मैं अब इसको एक प्रैक्टिकल दिखा के आपको समझाता हूँ। ट्रेन के बीच में अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे RLWL मिल रही है, कैसे PQWL, तो आपको समझ में आएगा इनके बीच का अंतर और कैसे आपको टिकट बुक करनी है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको वो टिकट बुक करनी है GNWL, जिस ट्रेन में आपको GNWL अगर वो ज़्यादा भी मिल रही है तो वो बुक कर लीजिए, RLWL कम भी बुक होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम होती है। आइए अब मैं दिखाता हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों, अब मैं इसी उदाहरण को लेता हूँ, हम जा रहे हैं, अब मान लीजिए यही उदाहरण लेता हूँ, मैं लेता हूँ जैसलमेर से, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसलमेर से काठगोदाम जाने वाली कोई ट्रेन है, अब मैं जैसलमेर से काठगोदाम के लिए रानीखेत एक्सप्रेस की ट्रेन है, अब इसमें मान लीजिए हम थर्ड एसी में टिकट देखते हैं, आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए मैं 2 तारीख की, या मैं मान लीजिए मैं 5 तारीख की टिकट देख रहा हूँ, तो 5 तारीख आप देख सकते हैं ये है GNWL और वेटिंग लिस्ट 8 चल रही है, तो यहाँ पे ये बता रही GNWS 8, तो ये 100% ये टिकट कंफर्म हो जाएगी 5 तारीख की, क्योंकि सिर्फ 8 वेटिंग लिस्ट और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन है और कोटा सबसे ज़्यादा होता है, रेलवे को ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि रेलवे को बीच बीच में जब जर्नी ब्रेक होती है तो रेलवे को कम पैसे मिलते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन की पूरी सीट फिक्स है, तो कोई भी कर रहा है तो ये 100% कंफर्म हो जाएगी। ऐसी अगर जब 7 8 10 आपको दिख रही तो इसको आंख बंद करके हम बुक कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ये GNWL है यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। अब ये ट्रेन जाती भी जैसलमेर से, इसका सोर्स जैसलमेर है, डेस्टिनेशन काठगोदाम है, और हम टिकट भी बुक कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन यानी जैसलमेर काठगोदाम से, तो GNWL हमें मिल। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, हम करते हैं जयपुर, जयपुर टू काठगोदाम, हम आप देखते हैं मॉडिफाई, अब यही रानीखेत एक्सप्रेस सेम ट्रेन है, इस ट्रेन को हम देखते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं मैं 5 तारीख की यहाँ पे है या इससे पहले, अब आप देख लीजिए ये वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं हिली है, इसका मैं आपको उदाहरण लाइव बता, अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको RLWL 28 25, यानी कि जब ये वेटिंग लिस्ट शुरू हुई थी उस टाइम पर 28 है, अभी सिर्फ 25 हुई, यानी सिर्फ 2 सीटें ही, इसमें 3 कम ज़्यादा, क्योंकि इसका टोटल कोटा ही 30 का है, तो ओ 30 या 40 अगर माना इसका कोटा है, कम कोटा रहता है तो केवल 25, तो इस सीट के यानी 5, अगर आपको RLWL इसके ना के बराबर है, ये कभी ये कंफर्म 25 अगर वेटिंग लिस्ट है, RLWL सिर्फ 3 दिन बाकी है, तो ये कभी कंफर्म नहीं होगी, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कोटा ही कम रहता है जयपुर से काठगोदाम जाने वाली जो सीट्स है रेलवे का, उसका कोटा बहुत कम। तो आप जब भी इस चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप
RLWL आप ये सोच के बुक कर लेंगे कि ये RLWL 25 है। अब मैं एक चीज़ और देखते हैं, आप खुद यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर जो सीटें हैं 2 तारीख की थी, RLWL 40 पे शुरू हुई थी जब वेटिंग लिस्ट, अभी सिर्फ 30-10 ही सीटें कम हुई, ये 36 पे शुरू हुई थी, अभी 27 चल रही है, ये 29 में, यानी बहुत कम कम सीटें हैं जो कैंसिल होते जा रही है आगे। अगर यही हम देखें, अगर हम देखते हैं, आप फिर से आते हैं, हम जाते हैं जैसलमेर में, फिर से जैसलमेर चलता हूँ, जैसलमेर, अब जैसलमेर में हम देख लेते हैं जैसलमेर, क्योंकि आप देख लीजिए ये 2 तारीख की जो टिकट थी, यानी कि 80 से लेकिन 55, यानी 30 सीटें कम हो गई हैं सीधे के सीधे, यानी 51 वेटिंग लिस्ट चल रही है, ये 19 थी, ये 8 होगी, 10 कम होगी, 18 से 6 जनवरी की 3 पर आ गई। आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी 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 क्लियर होते रह रही है, यानी कि सिर्फ 3 बची है, 3, 8, आप ये देख सकते हैं 4 तारीख की तो RAC में आ गई, तो एक आप खुद देख सकते हैं GNWL 80 से लेके 51, यानी 30 सीटें इसमें कम होगी, ये बहुत जल्दी जल्दी भरते जाती है, यानी कि कोटा ज़्यादा है तो जो जो रेलवे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देती है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है GNWL 80-51, यानी जब ये वेटिंग शुरू हुई थी तब 80 नंबर था इसका, अभी ये 51 चल रहा है, यानी अभी 50 लोग और हैं, 50 लोग को रेलवे या तो कोटा में देखेगा, कैंसिल करेंगे कुछ होगा तो उनको टिकट मिल जाएगी, यानी ये कम कम होते रहती है। आप ये देख लीजिए 8 से 6 ये इतनी कम है, 12 से 11, 19 से, तो ये बहुत जल्दी जल्दी भर रही है और जल्दी जल्दी कम हो रही है। जब हमने अभी फिर देखा था जो RLWL थी उसमें बहुत कम, 2, 3, 4, 5 सीटें कम होती हैं, तो ये आपको हमेशा ये देखना है, अगर GNWL वेटिंग है और वो जल्दी से कम हो रही है, मतलब उसमें अंतर है, तो वो टिकट आपकी 100% कंफर्म हो जाएगी, और आप हमेशा कोशिश करें सोर्स टू डेस्टिनेशन वाली ही ट्रेन लें, क्योंकि इस रूट पर तो सिर्फ एक ही ट्रेन है, तो एक ही ट्रेन है, जैसे आप दिल्ली या फिर दिल्ली चंडीगढ़ रूट में देखते हैं, तो दिल्ली चंडीगढ़ में वो ट्रेन देखिए जिस पे RLWL मिल रही है आपको, सॉरी GNWL मिल रही है, उस ट्रेन को आप कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सही वेटिंग लिस्ट बुक करेंगे, और वेटिंग लिस्ट का मतलब भी आप समझेंगे, GNWL है तो आपको बुक करनी है, और GNWL RLWL ज़्यादा है तो उसको बुक नहीं करनी, ये आप ध्यान। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ क्वेरीज हो कमेंट में, इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएं रेलवे से संबंधित, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बनवा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।